फ्रेंड्स एंड वेलकम टू खबर बॉलीवुड। बॉलीवुड सिनेमा के कई कलाकार साउथ की फिल्मों में काम कर रहे हैं। हालांकि साउथ फिल्मों में रुक करने वाले कलाकारों को फिल्मों में सिर्फ ग्रे शेड रोल ही मिल रहे हैं। हालिया उदाहरण संजय दत्त, बॉबी देओल, सैफ अली खान और इमरान हाशमी हैं। ये सभी ग्रे शेड पात्र निभा रहे हैं। अभिनेता अरबाज खान भी साउथ फिल्म कर रहे हैं, वो भी नकारात्मक भूमिका में होंगे। इस मामले पर अरबाज ने अब अपना रिएक्शन दिया है। साउथ में बॉलीवुड कलाकारों को नकारात्मक भूमिका में कास्ट करने को लेकर अभिनेता व निर्देशक अरबाज खान कहते हैं, मैं अधिक नहीं बोल सकता, पर आम तौर पर जो उत्तर भारत में कलाकार होते हैं जो मैंने अभी तक देखा है वो मुख्य रूप से करेक्टर आर्टिस्ट या नकारात्मक पात्रों में होते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने वहां पर कभी उत्तर भारत के कलाकार के साथ मुख्य धारा की फिल्में की हैं। हमने भले ही दक्षिण भारतीय सिनेमा के कलाकार वेंकटेश, कमल हासन, रजनीकांत, चिरंजीवी, नागा अर्जुन के साथ लीड रोल में कितनी फिल्में बनाई हैं, लेकिन हमारे नायक वहां मुख्य भूमिका में नहीं दिखे हैं। हमारी अभिनेत्रियों को वहां पर लीड कास्ट किया गया है, उनकी अभिनेत्रियां भी हमारे यहाँ लीड होती हैं। उसकी वजह क्या है मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि ये बदलाव भी कभी ना कभी होगा कि हमारे यहाँ के एक्टर्स भी वहां पर लीड रोल प्ले कर पाएंगे। वेल फ्रेंड्स, अरबाज खान की इस बात पर आपका क्या रिएक्शन है हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक खबर बॉलीवुड। थैंक यू।